काल है और आज की कविता संक्रमण के इस दौर का बड़ी सतर्कता के साथ विश्लेषण कर रही है। दादी, उसकी दादी माँ नानी ने खुद अंधेरों में रह के उसके लिए खिड़कियां खोली और आज स्त्री उन खिड़कियों से निकल के खुले आकाश में अपने विस्तृत पंख फैला कर जो संकोच और जो श्रृंखलाएं थी उनको तोड़ के रूढ़िवादी परंपराओं से आज बाहर आ रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने संभाल लिया है। पितृसत्तात्मक समाज में सिर उठाकर ऊपर चलने के लिए उन्होंने समर्थ हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, शायद जी ने कहा था कि यहाँ पुरुषों को भी होना चाहिए तक सुनने के लिए। हम स्त्रियाँ बोल रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं, तो ये घमासान.com के माध्यम से और सब जगह ये बातें जाएंगी, ये पुरुषों तक भी पहुँचेंगी, तो ये वही स्वर है और यही मांग करते हैं। सदियों तक सारी नैतिकता की जिम्मेदारी औरतों के ही इससे आती रही। बेटी को छुरमुई बनाओ, असुर पछिया बनाओ और बेटों को खुली छूट, वो तो देसी घी के लड्डू हैं। कितने भी दोष करके आए, कितने भी अपराध करके आए, तो देसी घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी थे। ये जो एक सोच थी पुरानी, बहुत ही शोचनीय, इसी सोच के चलते स्त्री ने स्त्री का सबसे बड़ा नुकसान किया। कणिका पाठक लिखती हैं, हर पल एक मासूम कुचली जाती है, क्या करोगे बढ़ाकर कन्या का अनुपात। जब न्याय देने में सालों लग गए, तब क्या दोगे समाज में समानता का अधिकार। स्त्री की छवि बदल रही है समाज में। स्त्री जैसी आज के दौर में है वैसी तो कभी भी नहीं थी। जहां विज्ञापन जगत स्त्री को उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वही साहित्य से व्यक्तित्व की गरिमा भी प्रदान कर रहा है। पहले स्त्रियों का निरूपण कवि करते थे, अब कवित्रियां खुद कर रही हैं अपना निरूपण और हर दिशा में हर तरह से कर रहे हैं। आज कविता का उद्देश्य उनके अस्तित्व को बचाना ही नहीं है, अपितु उनकी जो क्षत विक्षत मानवीयता है उसको बचाना है। और आज वे राष्ट्र, समाज, परिवार सभी में अपने सक्रिय योगदान दे रहे हैं और अपनी नई छवि के साथ एक नई भूमिका गढ़ रही हैं। इसी तरह से शिखा वाष्णेय मुक्ति के उपाय भी बता रही हैं। वो लिखती हैं, सुनो लड़कियों, मत बैठना घरों में लाज के पर्दों में छिपकर, अपनी ही इज्जत से घबरा कर डर कर निकलो बाहर, रखो हिम्मत, खोज कर रखना हथियार। इज्जत तुम्हारी है, उस पर हक भी तुम्हारा है। काट देना उस हाथ को जो बढ़ने की सोचे भी तुम तक, देना सजा खुद, क्योंकि रहते हम जिस समाज में वहाँ हो जाती हैं अक्सर लड़कों से गलतियाँ। सुनो धर्मराज निश्चय, कहो तो क्या सोचकर तुमने द्रौपदी को जुए की विसात पर चौसर की कौड़ियों सा उछाल दिया? क्या सोचा तुमने? इसलिए है तो कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर लोगे तुम, यही ना? 19वें दांव में खुद को हारने के बाद क्या हक बचा था उस पर या खुद पर? कैसे दांव पर भार्या को लगा दिया तुमने? और तुम चारों, तुम भी तो पति थे ना, क्यों नहीं तुमने हाथ पकड़ा भाई का? किस मर्यादा में बंधे बैठे रहे नक्शे? मर्द कहते परम यशस्वी, परम वीर, आत्मियों की, परम ज्ञानियों की सभा में किसी की भी भुजाएं क्यों नहीं पड़ती? बेशर्मी के उस दांव पर, कुल वधु के चीर हरण पर, दारुण पुकार पर क्यों नहीं उबला लहू शिराओं में? नपुंसक ही थे क्या सब? हाँ, उस काले दिन हरण हुआ जरूर था, पर सिर्फ चीर का ही नहीं, हरण हुआ था मनुष्यता का, लज्जा का, वीरता का, इंसानियत का, मर्यादा का, रिश्तों का भी। और तुम द्रौपदी, ग्रह प्रवेश पर ही बांटी गई, किसी ने भी कहा बांट लो और तुम पांच पतियों में सिर झुकाए चुपचाप बटने को तैयार हो कैसे गई? हुंकार क्यों नहीं भरी? नहीं स्वीकार मुझे, कोई वस्तु नहीं, जीती जागती इंसान हूं मैं, कदापि नहीं तैयार बटने को। जो वस्तु बना दे, नहीं स्वीकार वो सप्त बनेगी। गलत को सिर झुका स्वीकार करते देखो ना, फिर कहां लाकर खड़ी कर दी गई हो तुम।
बेशर्मों, कायरों, बेगैरतों की सभा में। चौसर की बिसात पर मातम मनाते, बदहवास विलाप करते। इस सब के बाद भी रही सही धर्मिणी, हद है। क्यों नहीं त्याग किया तब उन पांचों का, उस कुल का, उन तथा कथित सम्मानित परिजनों का, सड़ांग मारती परंपराओं का, जहां वस्तु की तरह बांट दी जाती है और कौड़ियों की तरह बिसात पर हार दी जाती है कुल वधु भी। अरे द्रौपदी, एक बार कस कर कम से कम थूक तो देती उस विशाल आलिशान चमचमाते राजभवन के कालीपुते प्रांगण पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।